यहाँ ना प्रशासन का ध्यान है, ना मुखिया का ध्यान है, ना सरपंच का ध्यान है, खाली सब दिखावा है, कोई नहीं है। जिस समय वोट होता है उस समय मांगने आता है कि हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, बीत जाता है 5 साल बाद फिर भी कोई नहीं आता है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे। ये देखिए बैग टांगे हुए हैं, चलते हैं प्रदेश, अभी जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जोहार, और मैं हूँ रविंद्र बड़ाइक, और मैं आज खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड के आमा पंचायत में उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड, ये उर्मी से चुकरू लगभग 1.5 किलोमीटर इसका निर्माण हुआ है 2018-19 में, लेकिन ग्रामीणों का कहने अनुसार ये जो सड़क 6 महीना में ही इतना जर्जर अवस्था हो गया जिससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, और 2 गांव सहित 1000 लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। आइए सुनते हैं उनकी समस्या को। 2018-19 में जब ये रोड बना, उसके बनने के करीब 6 महीना बीता तो ये रोड एकदम कबड़ने लगा सर। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं रोड कैसा है, अभी बहुत दिक्कत है। कितना दिन से ऐसा है? ये करीब 18-19 में तो सर बना, उसके बाद 20-21-22 अभी 23 चल रहा है, तो करीब 3 साल से ऐसे ही हम लोग दिक्कत झेल रहे हैं सर, और बहुत परेशानी हो रही है। अभी देखिएगा तो बच्चा लोग स्कूल जाने में भी उन लोगों को लेट हो जाता है, कहीं की जगह जगह पानी भरा हुआ है, गड्ढा में कीचड़ है, तो थोड़ा सा साइकिल चलाने में भी दिक्कत होता है। कोई एम्बुलेंस आता है तो एम्बुलेंस भी समय से नहीं पहुँच पाता है, कहीं की गड्ढा है, धीरे धीरे चलाना पड़ता है। प्लस जिसके पास मोटरसाइकिल है, कोई खाद वगैरह अगर लेके आना पड़े बाहर से, तोरपा वगैरह चाहे अम्बा पकना से, तो बड़ा दिक्कत होता है खाद सब लाने में भी। तो यही सब हम लोग समस्या झेल रहे हैं। तो हम लोग आपके न्यूज माध्यम से हम लोग ये विनती करते हैं कि इस खबर को ऊपर से ऊपर तक पदाधिकारियों तक पहुँचाइए, और जल्द से जल्द इस रोड को बनवाने का कोशिश कराइए ताकि हम लोग को ये जो समस्या है उससे हम लोग को निजात मिल सके सर। इसके लिए आप क्या क्या प्रयास किए हैं प्रधान जी? इसके लिए ऐसे बरबली बहुत बातचीत किए, गांव वाले से भी सलाह मशवरा किए, उसके बाद में इसका रिपेयर के लिए एक एप्लीकेशन लिखे थे और एप्लीकेशन अंचल अधिकारी को दिए थे, और रिसीविंग भी मेरे पास में है, और लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कब दिए थे ये? 2021 में ही दिए थे, सितंबर 21 में दिए थे, लेकिन उसका कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। और इसको जब इतना रोड ख़राब हुआ, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रहा है, विशेष करके स्कूल जाने आने वाले बच्चों को, और भी जो बाजार हाट जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कत, कोई भी यहाँ आवागमन के लिए बहुत दिक्कत हुआ। समस्या को लेकर के मुझे ग्राम प्रधान के द्वारा जानकारी मिला, और मैं ग्राम सभा में उपस्थित होकर मुझे मालूम हुआ, जानकारी हुआ कि इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान के द्वारा अंचल अधिकारी को 21/9/2021 को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन भी आज तक रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इस समस्या के लिए मैं भी संबंधित पदाधिकारियों से अपनी बातों को रखते हुए मैं शेयर भी करूंगा, ताकि इनके साथ जो समस्या हो रहा है जल्द से बदलाव हो सके। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं रविंद्र बड़ाइक, खूंटी जिला, झारखंड, इंडिया नट के लिए।